मांग रहा हूं। राजा निमी
वशिष्ठ के पास पहुंचे व्यास जी और वशिष्ठ से कहा कि मेरे यज्ञ के आचार बन जाओ। वशिष्ठ ने राजा निमि का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और निमंत्रण स्वीकार करने के बाद दूसरे दिन देवराज इंद्र वशिष्ठ के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज मैं भी यज्ञ कराना चाहता हूं। तो वशिष्ठ ने जो मुहूर्त राजा निमि को दिया था और वही मुहूर्त देवराज इंद्र को भी दिया। अब यज्ञाचार एक जगह इंद्र का यज्ञ है और एक जगह राजा निमि का यज्ञ है। तो वशिष्ठ जी राजा निमि का यज्ञ कराने चले गए, निमि का यज्ञ नहीं कराया। वशिष्ठ जी ने राजा निमि का यज्ञ नहीं कराया, इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। तो निमि ने दूसरा आचार बना करके यज्ञ अपना प्रारंभ कर दिया और जब वशिष्ठ जी के लौट करके आए तो उन्होंने राजा निमि को श्राप दे दिया, तेरे शरीर का पतन हो जाए। तो राजा निमि ने भी वशिष्ठ को श्राप दे दिया कि तुमने पहले मेरा निमंत्रण स्वीकार किया था, पहले मुझे मुहूर्त दिया था और इंद्र का यज्ञ कराने चले गए, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे भी शरीर का पतन हो जाए। राजा निमि के शरीर का जब पतन हो गया तो राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ब्राह्मणों ने महात्माओं ने राजा निमि के शरीर का मंथन करवा दिया। जन्मना चंका स्वयंभूत वैदेहस्तु विदेहजा मिथिलो मिथिलम जातो मिथिला इंद्र मिथा। जब राजा निमि के शरीर का मंथन किया गया तो मंथन करने से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मिथि और उसी ने बताई है मिथिलापुरी। जन्म लेने से जनक बिना देह बिना स्त्री के संयोग से पैदा हुआ था इसलिए उसका नाम रखा गया विदेह। और महात्माओं ने और ब्राह्मणों ने एक वरदान भी दे दिया कि आज के वंश में आपकी जो भी संतति पैदा होगी वो जनक विदेह और विश्लेष के नाम से कहलाई नाम से जानी जाएगी और वही आपका नाम तो सीरत ध्वज है। लेकिन जनक विदेह और विश्लेष ये तीन नाम आपके वंश में उपाधि के रूप में चल रहे हैं इसलिए जनक बहुर आय से नाम तुम्हारे प्रणाम को परशुराम स्वीकार करता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि योग के आठ अंगों का पालन करने वाले हैं आप। आपके प्रणाम को परशुराम स्वीकार करता है और तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद भी है। सवाल है राजन तुम उद्भट विद्वान और तुम्हारे लिए मेरा वरदान है तुम्हारा कर्म नियोज तुम वंदन साहो ये तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहो ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन की और केवल एक ही प्रमाण रहेगी और तीरी पक्ष की निर्मल गंगा यहां युग युग तक गतिमानी रहेगी। और जिस जनपद में एक उत्तर की ओर गंगा और दक्षिण की ओर यमुना बहती हो उससे अच्छा कोई जनपद दुनिया में हो सकता है? हमारी समझ में इस जनपद फतेहपुर से अच्छा कोई जनपद नहीं है। अधिक न कहकर दो पंक्तियां आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। युग युग तक तुम करो साधना और नहीं तुम्हें व्यवधान मिलेंगे और आशीर्वाद हमारा तुमको तुम्हें घर बैठे भगवान ही मिलेंगे। चाहो तुम्हारा मंगल हो मंगल हो तुम्हारा प्रणाम प्रणाम।
ये महर्षि परशुराम जी हैं जिन्हें प्रणाम को जी जब साक्षात अवतारी ये अंशा उतारी त्रिलक्षी महामाया महामेधा महाद्री का बड़ा मित्रा में राजन ये पृथ्वी के भूतों को सबूत करने वाला मत लोक का मालिक बनने वाली गंगा सरस्वती बहती ही बालका कौन है लाइन बालका को मेरे सभी और कराए इस बालका का मुझे परिचय कराए मुझे परिचय इस बालिका का परिचय लेकर के धरती पर हल चलाया है।
तब आपको ये सीता की प्राप्ति हुई। पानी के लिए कोई ना कोई प्रयास करता है कि नहीं करता, जरूर करता है। और आपके राज्य में तो 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा, आप 12 साल तक क्या करते रहे? प्रजा दुखी होती रही और आपने 12 सालों में कोई प्रयास नहीं किया। आपको प्रयास करना चाहिए था, सफलता देना यह परमात्मा का काम है और कर्म करना यह जीवात्मा का काम है, लेकिन आपने 12 साल में कोई प्रयास नहीं किया। जातु राज प्रिय प्रजा दुखारी सौलभ्य अवश्य नरक अधिकार। जिस राजा के राज की प्रजा दुखी रहती हो और राजा अगर समाधान नहीं करता है, राजा उसका निदान नहीं करता है, तो ऐसा राजा नरक का अधिकारी बन जाता है। लेकिन आपने नारद बाबा के कहने के अनुसार अपनी पत्नी को साथ में लेकर के धरती पर हल चलाया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूं। और तुम्हारी बेटी ने हमें प्रणाम किया है, आपने बताया कि इसका नाम सीता है, और सीता नाम को रखने वाले कौन है? नारद। आपको सिने द्वारा हल चलवाने वाले भी नारद हैं। सीता की प्राप्ति हो गई तो नाम देने वाले भी नारद हैं। और सच्चाई यह है, कोई माने या ना माने, तुम्हारी बेटी को जो फल मिला होगा वो भी नारद के कहने के अनुसार ही मिला होगा। और दुनिया में मेरे विद्वान श्रोताओं, आज तक कोई ऐसी कहानी नहीं बनी दुनिया में आज तक का था, तो राजा जनक को अपनी बेटी सीता को बुला करके नारद को प्रणाम करवाना चाहिए। आपने नहीं करवाया है, आपको करवाना चाहिए। और क्यों करवाना चाहिए? नारद माने ज्ञान, दावाने देने वाला, जो ज्ञान देता हो उसका नाम नारद। ये ना माने नहीं, रद्द माने रद्द, जिसकी कही हुई बात कहीं रद्द ना होती हो उसका नाम नारद। और नारद ने आपकी बेटी का नाम रखा है सीता। वैसे मैंने ऐसा जाना है कि तुम्हारे तीन नामों से तुम्हारी बेटी के पहले तीन नाम बने हैं, नाम जानकी, नाम जानकी परम पुनीता। और नारद आई कहां पुनी सीता, नारद ने सीता नाम कर रखा है पुनी। पुनी के दो अर्थ हैं, ये तो बाद में या फिर। आपके जनक नाम से आपकी बेटी का पहला नाम बना है जानकी, आपके विदेह नाम से आपकी बेटी का दूसरा नाम बना है विदेही, आपके बिजनेस नाम से आपकी बेटी का नाम बना है मैथिली, भूमि से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम बना है भूमजा, और धरा से उत्पन्न होने के कारण एक और नाम बना है धरापुजा, एक नाम है पुनीता, और श्री नारद के द्वारा तुम्हारी बेटी का एक नाम है सीता। और ये बालिका आपको धरती से मिली है, कहां से मिली है? धरती से। तो मेरा आशीर्वाद भी धरती से ही जुड़ा हुआ होगा। धरती की कली और तुम जनक की गली रहो थोड़ी फली पढ़ो जनकी फली बरसा पानी नहीं तो यह धरा चल उठी। 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा। ध्यान दें विद्वान लोग मेरे शब्दों पर पहुंचे और उनका मूल्यांकन भी करें। जब बरसा पानी नहीं तो यह धरा चल उठी और हल चला फल का फिर से मुस्कान भी। गृह गले बंधिया और तब उठा धमिया,
दाहिने हाथ से धरती को लीपने का कार्य आपकी बेटी ने किया है और ठीक उसी समय बाएं हाथ से धनुष को उठाने का काम किया है। सच्चाई यह है कि दोनों काम एक साथ किए हैं और वो कौन कौन से काम हैं आप लोग ध्यान दें, मूल्यांकन भी करें। जब ग्रह का ले पंक्तिया जब ग्रह का ले पंक्तिया और तब उठा धंडिया तो धन उठाइया फिर होगा अब तुम्हारा पिया। और गीत गाएंगे गायक अब गली हर गली रहो भोली भली बनो चक्की भली। इन पतिव्रता पत्नियों में पतिव्रता पत्नियों में और तुम प्रथम लेख हो और ये माता काली भवानी का अभिषेक हो। माता दुर्गा भवानी का अभिषेक हो। गीत गाएंगे गायक गीत गाएंगे गायक अब गली हर गली रहो फूली फली बनो चक्की फली। राजन तुम्हारी बेटी के बारे में कहना चाहता हूँ और ये बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, इन विद्वानों के बीच में कहना मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी के बारे में ब्रह्मा ने क्या लिखा है बताएं। विधि का लेखा लिखा विधि माने ब्रह्मा और क्या लिखा है ब्रह्मा ने आपकी बेटी के बारे में। विधि का लेखा लिखा और ये चली जाएगी होगा मर्दनी असुर का यह बच पाएगी। अग्नि की वेदिका पर अग्नि की वेदिका पर ये तपी जाएगी। ये बालिका आपको घर से मिली है, सीता की उत्पत्ति घर से हुई है, सीता का जीवन घटनाओं से जुड़ा हुआ होगा। ये यूं कह दूं महाराज जनक तुम्हारी बेटी के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटेगी और क्या होगा आप लोग मेरे शब्द पर पहुंचे और उनका मूल्यांकन भी करें। अग्नि की वेदिका पर और ये तपी जाएगी और हंसते हंसते धरा में समा जाएगी। हंसते हंसते धरा में ये समा जाएगी। और ये विधि का विधान है, इसको टालने की सामर्थ्य किसी के अंदर बोलो ना नहीं है। मेरा कहा क्या विधान है आपकी बेटी के बारे में। कर रही है नमन मन में होके मगन तो है आशीष तुम राज रानी बनो। राज रानी बनो आज रानी बनो राज रानी बनो महारानी बनो मेरे जीवन की अमेध कहानी बनो। तुम धरा मूर्ति हो विश्व की मूर्ति हो गुण की खानी बनो और दया कानी बनो। जनक बालिका तुम हो जग बालिका
इस बालका को भेजवाओ और बालका के साथ में दूसरी बालकाएं कौन है हमें जाने से पहले बताओ। सखिया क्या नाम है इनकी? सुशीला। तीनों के नाम सुशीला है? नहीं अलग अलग है। गुरु जी अपना अपना नाम स्वयं बता देंगे। महाराज हमारा नाम चारु सिंह है। बहुत सुंदर। हमारा नाम सुशीला। हमारा नाम सुभद्रा है। चलो माने लेते हैं सुभद्रा। आठ सखियों में किसी सखी का नाम नहीं। लछपड़ा है, हेमा है, चारसीला है, क्यों भाई आइए। लेकिन एक बात मैं तुम लोगों से भी कहना चाहता हूं कि सखियां जो प्रधान पहनती हैं वो केवल फतेहपुर में पहनती हैं, अन्य जनपदों में नहीं पहनती हैं। उनके आधे वस्त्र ही खुले रहते हैं। जाओ सीता के साथ रहकर अपने जनपद का नाम आगे बढ़ाओ। तुम्हारा मंगल हो। आशीष दीन सखी वरसानी निज समाज ले गई सजानी विश्वामित्री मिले पुण्यारी मिले पुण्यारी। बोले मालूम है कह रहे महामुनि ज्ञानी आपसे मिलकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। मुझे नहीं मालूम था कि यहां आप भी मुझे मिल सकते हैं। और सच्चाई यह है कि जीवात्मा का जब मिलन परमात्मा से होता है तो बीच में मिलता है महात्मा। जब तक जीवात्मा का मिलन महात्मा से नहीं होता है क्या करना है? इसको थोड़ा कम करो। आवाज साफ रखो, मामूली डालो उसमें। जब जीवात्मा का मिलन परमात्मा से होता है तो बीच में मिलता है महात्मा। और बिना महात्मा के जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आज मेरा हृदय वास्तव में आनंद आनंद से परमानंद उठ करके ब्रह्मानंद की पराकाष्ठा की अनुभूत कर रहा हूं। आपके यज्ञ का ठीक तो चल रहे हैं, कहें कहें पूछ कहीं कोई व्यवधान तो नहीं हुआ? पद सरोजी मिले सभी प्रकार की कुशलता के साथ श्री परशुराम जी महाराज आपका दर्शन करने के बाद आत्म सुख स्वयं प्राप्त कर रहा हूं मैं। राम सौमित्र लक्ष्मण देखो ये ब्राह्मण वंशावतंश पूज्य श्री भागवत परशुराम जी महाराज हैं। इन्हें प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। एक बात मेरी समझ में नहीं आई क्या कि जिसे सुख का धाम मिल गया हो और मेरे मिलने से वो सुख की प्राप्ति कर रहा हो ऐसा कैसे हो सकता है? आपको तो सुख के धाम की प्राप्ति हो चुकी है। अपने से श्रेष्ठ जहां से सुख सबको मिलता है सल कर दे बहुत और उसकी प्राप्ति अगर आपको हो चुकी है तो फिर आप मेरे मिलने से सुख कैसे? साधवाद सुख धाम की प्राप्ति विषय अलग है। आपसे मिलने का जो बिंदु है वो मिलने की प्रीति मिलन प्रीति की मिजाई बखानी जिसका वर्णन हम अपनी मुख के द्वारा किस तरह से करें वह प्रेम और वो सुख जहां से आप दर्शन दे रहे हैं सुख धाम की प्राप्ति। तो सुख धाम की प्राप्ति तो मैंने हाँ कर लिया है। ये
बहुत बड़ी कृपा हो गई है उसकी। उस सुखदान की प्राप्ति के बाद फिर उसके बाद कोई सुख ही नहीं शेष रह जाता जिसकी प्राप्ति की इच्छा बनी रहे मन में। लेकिन आपके मिलने से जो सुख हो रहा है, क्योंकि बहुत काफी समय के पश्चात आज आप हमें मिल रहे हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं, मान्य पक्ष से हैं, तभी तो आपके पास चल करके मिलने के लिए मैं स्वतः आ गया। ठीक कहा आपने, ठीक परशुराम जी, आप मेरे मान्य पक्ष के हैं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मिलन प्रीत, मिलन भी हो और प्रीत भी हो, जबकि सच्चाई ये है व्यास जी, संत मिलन सब सुख जगदान, जगत में संत मिलन से बड़ा सुख नहीं है। संत आपसे बड़ा कोई संत है? अब ये आपकी महानता है, आप हमें बड़ा मान लें, आप बड़ा कह दें, मान ले नहीं, यथार्थतया आप बड़े हैं, आप सर्वसामर्थ्यवान हैं, आप ऐसा क्यों नहीं मानते? हम इस बात को पूर्णतया जानते हैं। एक क्षण वह याद है आज भी हमें, जिस समय बार बार समुद्र हमारे आश्रम को हठात बलात् वहां करके ले जाया करता था, आपने वह पौरुष दिखाया जिसके द्वारा वह समुद्र ऐसा दुस्साहस हमारे जीवन में दोबारा कभी नहीं कर रहा है, तो आप तो श्रेष्ठ। अरे भाई सोचो, एक संत ने समुद्र का पान कर लिया, जिनका नाम दुनिया के लोग जानते हैं, अगस्त, अगस्त जी महाराज है, और वही समुद्र की तरंगें आपको परेशान कर रही थी, आपने कहा कि परशुराम ये समुद्र मुझे सही तरीके से रहने नहीं देता है, मैंने परस से कहा कि दोबारा इधर ना आओ, क्योंकि डांटे पे नौ नीच, राम तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद। ये जलद इच्छा है, विनय करने से नहीं मानता, अगर डांटा ना होता तो फिर माना ना होता, राम तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद। ठीक है भैया, और क्या ये भी मिला है? हे राम विश्व में नामी करो, ये पानी ग्रहण है, ये भी मिलन प्रीत की जाय का कारण। हे राम विश्व में नामी करो, रवि सच से अधिक गति वाहन बनो, यही चले जगत पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो, महिमा गरिमा तुम्हारी प्रतिभा का कोई उपमा न होगा, युग बीतेंगे किंतु तुम्हारी, युग बीतेंगे किंतु तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा, अब सागर की सीमा से बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा, वैभव राम तुम्हारा होगा, रमान ही जो तुम्हें सीखेगा उसका जन्म दोबारा होगा, इतिहासों के प्रश्न तुम्ही को अपना तन मन प्राण कहेंगे, अपना तन मन प्राण कहेंगे, प्यासे अधर से तकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। मालूम है तुम जान रहे एकदम चाय जी, राम भले ही वहां मिलने के लिए नहीं आए इतनी देर, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। किसान हो लक्ष्मण तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है, भागीरथ
श्री लक्ष्मण बेटा जग में फैला दो धर्म जंग, लोहा भी लोहा मान जाए, लोहा भी लोहा मान जाए, ऐसे दुष्टों के उड़े रंग, तुम प्रगति करो उन्नति करो और मेरे जीवन प्राण बनो, ये चले जगत पीछे पीछे तुम दोनों ही भगवान बनो, तुम युग युग के भगवान बनो, तुम हर युग के भगवान बनो, ओ निर्दयर के सदा समर नदी कोई जुग जुग की ओ कीर्ति नता मर दो कामदेव के पास बाबा को जीतने वाला नैतिक ब्रह्मचारी ऊर्ध्वता ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी है परशुराम, और ब्रह्मचारी की वृत्तियां चार होती है और उनमें बृहत ब्रह्मचारी है परशुराम। स्वीकार करो हमारा प्रमाण पत्र श्री राम। ओंकार में महान तुम, गंगा की धार तुम, राम हो महान तुम, राम हो महान तुम, बाप व्यापार तुम, सागर के पार तुम, राम हो महान तुम, राम हो महान तुम, सबके करतार तुम, सागर के पार तुम, राम हो महान तुम, राम हो महान तुम, और सूर्य की किरणों में है तू, वायु की झनकार में, चर अचर फल फूल में तू है खड़ा दीवार में, नाम में हर वस्तु में, हर नाम में हर वस्तु में, सब में तेरा ही नाम है, और देखने वाला भी हो, देखने वाला भी हो तो सर्वव्यापक राम है, देखने वाला भी हो तो सर्वव्यापक राम है, राम इन्हीं धर्म राम रसात, राम लेत देत दिन रात, राम निकल जाए देह से, काम होए निष्काम, गुरु शंकर यूं कह रहे जो कछु है सो राम, बहुत बढ़िया ये समूचे निष्ठा महान, कई कारण भीड़ भरी है, भीड़ का कारण हमें आत्मर्चे बुलाने समाचार कहिए न की सुनाए, यही कारण
ये महीम सब आए जही घर पानी के आने का कारण एक काल भोजन शिवन भगवान पे सुधारी थी ममता ने किया है आपके ऊपर खुद प्रहार। एक दिन ये ममता रो रही थी तुम्हारे यहां भी, ये देवता और महात्मा सारे लोग रो रहे थे तुम्हारे यहां भी।
तुमने अपने प्राणों का अपराध कर दिया देवताओं और महात्माओं के कल्याण के लिए। कुबेर ने तुम्हें मोतियों से धरा, दिनेश ने तुम्हें प्रकाश दिया, वर्णेश ने तुम्हारी बधाई के गीत गाए और फणेश ने तुम्हें पुरस्कारों के द्वारा जोड़ा और बास्ती की तुम्हारी प्रतिष्ठा बनाई गई। और आज जब स्वार्थ पूरा हो गया तो तुम धरती पर डाल दिए गए, धूल में पड़े रहे और कब तक पड़े रहे मेरे नाम काम तक अधिक हो। मैंने अपनी मां का बच्चा डाला, मैंने अपने चार बड़े भाइयों के सिर अपने ही हाथ से काट डाले, परंतु मेरे नेत्रों की खिड़की से एक भी करुणा का बीज कभी यश रूप में प्रवाहित नहीं हुआ। मेरी मैया पार्वती पूछेगी पुत्र अधिको कैसा है, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। तुम्हारी दशा को देखकर मेरे मन में हाहाकार मच गया है, हाहाकार। और भंग के रंग में मस्त तुम हो गए, तुम अधिक हो गया, तुम अधिक हो गया है सिद्धानाथ तुम। कोई पूछेगा मुझसे, कोई पूछेगा मुझसे कहूंगा क्या उससे, कोई पूछेगा मुझसे कहूंगा क्या उससे, टूटना पा गया, टूटना पा गया है सिद्धानाथ तुम्हें। सिद्धानाथ तुम भंग पीते रहे, अधिक हो गया, अधिक हो गया है सिद्धानाथ तुम। और चला गया ये भंगू हमारा, क्या हिला नहीं केला तुम्हारा, और चला गया चहुहर का प्यारा, क्या हिला नहीं केला तुम्हारा, मैं लेने को बदला ले लूंगा, ये शक्ति न कोई रोक सकेगी, लेकिन अंतस की ज्वालाएं हैं रह रहे कल के धन के भी, और ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, तब तुमने भी नहीं पुकारा, तब तुमने भी नहीं पुकारा, पहले भी जल था जीवन था, धरती और अंबर रंग था,
पर हुआ नहीं ये त्रिपुरहन था, और इसके पहले भी पतझर था, किंतु मेरा मधुमास नहीं था, मैं भी तेरे पास नहीं था, और चला गया यह बंधु हमारा। क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। मेरी श्रद्धा सुमन स्वीकार करो, कोई सम्मेलन है, कोई संबंधन है, अतरिश बोल अतरिश किससे चोरा है मुझे तोड़ने वाले का नाम बताओ, बोलो बोलो बोल बोल बोल, कहीं तो है कहीं तो आता कहीं तो आते कहीं तो राजा बना दूंगा मैं तुझे, हटा करके यहाँ का दूसरा 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 राजा बना दूंगा। कुटिल भू हर से मन मांगी, सभा के लोग सब